Bande Guru Padadandam Bhakta Vinda Samannitam Sri Chaitanya Prabhu Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandana Bande Radhika Charanodayam Gopijana Samayuktam Vrindavanam Vāñśākalpataruvaśyakipāsindhubhavaśu Patitānaṁ pāvanibhavaśnavibhyo namo namah Mūkhaṁ karoti vācālaṁ pangunglaṁ haitagiriṁ Jatkipātam haṅbandhi paramānandamādhavam Vrindāvaitu siddhavai piyāvai kesavasyacā Sna bhakti vade devi satva vattvai namo namah Narayana namaskritta naranjaiva narottamam Deving saraswati vyasam tato jayo madire Sankirtane krishna katopadeshe Gauriya patrasya prakasanecha Sadanurakta guru bhakti yukto Bhakti Pramodakshya Jagod Bharhunne Deyam Sada Paribhavagnam Avishtaduham Titha Swadam Siva Virunchanatam Saranyam Vita Tiham Panatapal Bhavad Dibhutam Bande Mahapurushate Charanarabhindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chataya Bispurijita kemapikabhavadushvadarshi Purnanuragara sasagara saramurti Saradhikamai kadakipam kapushi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Bindu Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Ajānulambita bhujau kanaka badato Saṅkīrtanaika pitaru kamala yatāksha Vishāmbaro dijavaro yugadharma palo Bande yagat priyakaru karuna bhataru Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Dibbarupam Muktincha Muktincha Dadasinitam Bhavan Rupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushita Bham Bhagam Narayano Priyamananga Madapaharam Varanasi Purapati Bhajavishanatham Vāgī śajasya badane Lakshmīr yasya bhakṣaśi Yasyāste hidaya sambhi Vam nishinnamaham bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nirvinna nit
नितरां भवन असतेन्द्रियतर्शनात् येन संभास्यमानेन प्रपन्न आंध्यं तमः प्रभु निर्विन्या नितरं भूमं असतेन्द्रियो तर्शनात् येन संभास्यमानेन प्रपन्न आंध्यं तमः प्रभु गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए जीव भगवत सेवक है, भगवत सेवा करना ही इसका धर्म है। सेवा ही चेतना का उद्बुद्ध अवस्था या तो इसको जीवित अवस्था बोला जाता है। जो भगवत सेवा से विमुख है, जो अपना चेतना खो बैठा है, उसको जीवन में तो हिस्सा वो जीवित अवस्था में मृत घोषित किया गया, वो जीवित अवस्था में मृत है, देखने में जीवित है लेकिन चेतना का उत्सव है, चेतना का उत्सव है गुरु वैष्णव भगवान का सेवा करके तो देखे सच्चा की झूठा। चेतना का उत्सव ही है भगवत सेवा, अर्थात गुरु वैष्णव भगवान सारी सेवा धाम नाम, ये चेतनोत्सव है, चेतना का उत्सव है। और ये स्वाभाविक है क्योंकि महाप्रभु जी ने बताएं जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। सेवा में उद्बुद्ध अवस्था ये जीविता अवस्था है। भगवत सेवाकारी जो से भगवत सेवा करते रहते हैं वो जीवित है, और सेवा विमुख जिसका दिल में सेवा बोल के कुछ चीज़ है नहीं वो जीते जी मुर्दा है, जीवन में तो हिस्सा। कृष्णो कृष्णो सेवा व्यतीतो छोड़कर कृष्णो एवं कृष्ण संबंधित कृष्ण पार्षद भक्तों लोग इनके सेवा छोड़कर हमारा और कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है। बद्ध भूमिका में जीव अपना बहुत सारे ड्यूटी में लगे रहते हैं, ये तो मेरा ड्यूटी है ये करना, महाराज वहाँ जाना मेरा ड्यूटी है, ये करना ड्यूटी है, संसार को देखना ड्यूटी है, समाज को देखना ड्यूटी है, सारे ड्यूटी बद्ध अवस्था में आ जाता। लेकिन जीवों का एक मात्र ड्यूटी है, जो ड्यूटी पालन करने से आपको शायद इसमें कुछ प्रश्न आ सकता है, महाराज केवल भगवत सेवा करने से कैसे होगा समाधान? अरे हाँ, समाधान होगा। जीव यहाँ तक सोच नहीं सकता, यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। विचार ये बनता है अगर कोई भगवत सेवा में लगे रहे और भगवान का संबंध में जगत को देखना शुरू कर दे, भगवत रिलेटेड शरीर और शरीर का साथ जुड़ा हुआ कुछ भी चीज़ वो भगवान भगवत संबंधित बना दे, इसके बाद देखे मज़ा क्या है। इसमें ऑटोमेटिकली जिसको आप अलग से भगवत सेवा से छुटकारा चाहते हो और दिखाना चाहते हो कि मेरा ये ड्यूटी है ये ड्यूटी है सारे ड्यूटी करके तो देखे, जब सारे भगवत संबंधित बन जाए भगवान का लिए करे तो देखोगे आप तमाम जो कर्तव्य है ऑटोमेटिकली समाधान होते जाएगा। अगर पूरा दुनिया को भगवत संबंधित देखे तो जितना सारे कर्तव्य कर्म हैं ऑटोमेटिक होते जाएगा, उसके लिए बेफिक्र रहो, इसके लिए चिंता करने का दरकार, ऑटोमेटिक होगा धीरे धीरे। जीव गुरु कृष्ण का दास है,
ये जीवन जिंदगी का प्रॉपर यूटिलाइज करे तो ठीक है, अगर ना कर पाए तो जीवित अवस्था में मृत अवस्था है। कर्मकांड में जो जितना सारे आदमी लगे हुए हैं, कर्मकांड में आस्था रखने वाले, कर्मकांड में आस्था रखने वाले, कर्मकांड में प्रवृत्त विशिष्ट व्यक्ति, ये मृत है, मुर्दा है, ये मर गया, इसीलिए ये सब असत कर्म में प्रवृत्त है। यहां तक चर्चा हो गया कि जब अनन्य प्रेम भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाता है कोई भक्त, अनन्य प्रेम भक्ति में अगर प्रतिष्ठित हो जाए कोई भक्त, अनन्य प्रेम भक्ति में अगर प्रतिष्ठित हो जाए कोई भक्त, इसका लिए ये सधर्म पालन रूपी जो विचार है, अगर कोई भक्त अनन्य प्रेम भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाए, इसका लिए सधर्म बोलते भगवत सेवा ही है और कुछ नहीं। इसका लिए वर्णाश्रम धर्म आदि जो है, ये क्या रिजल्ट दे सकता है इसका लिए? इसका लिए तो वर्णाश्रम धर्म आदि जो है, इसका लिए कुछ विशेष बात नहीं है कि ये सब पालन करने जाए तो उसका जो अनन्य भक्ति का उसका डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का तब तक इसका वैल्यू है जब तक ये इस अवस्था में ना जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वर्णाश्रम धर्म आदि इसको फेंक दो, ये नहीं। अधिकार का अनुसार विचार बनता है, अधिकार का अनुसार विचार बनता है, और अधिकार का बहिर्भूत, अधिकार नहीं है इसका, बाहर जाके कोई जोर जबरदस्ती कोई कर्म करे, ते प्रभुपाद अक्सर बताते थे जे से अधिकारी जो निष्ठा स गुण परिकीर्तिता विपर्जय सुदोष, अपना अधिकार का मुताबिक कर्म करना ये गुण है, और अपना अधिकार का अतिक्रमण करके जो करने जाए इसको गुण नहीं बताया गया, विशेष विचार है। एकलव्य अपना अधिकार का बहिर्भूत कर्म करने में लग गया था तो ये भक्ति नहीं थी, ये भक्ति नहीं थी। एकलव्य गुरु का आदेश नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, अपना जो अधिकार का बहिर्भूत कर्म करने में लग गया था। अक्सर समाज का आदमी इतना भूखा है, समाज का आदमी इतना भूखा है, तो इसी बात को लेके तर्क खड़ा कर देता है। अरे द्रोणाचार्य इतना ये है, निष्ठुर है, इसका दिल इतना कठोर है, इसको हाथ को काट के ले लिया, ये समझा ही नहीं। ये सोचा कि द्रोणाचार्य जो बदमाश है और एकलव्य ठीक है। इस समाज का विचार ऐसा ही है, जैसे रघुनाथ बौद्ध काव्य लिखा माइकल मधुसूदन, वो तो माइकल बन गया था। उसमें रघुनाथ को वीर दिखाया और लक्ष्मण सो बेफालतू कुत्ता बिल्ली का साहित्य है दिखाया। अब कौन जाए इसको बोल, इसमें साबित किया जो लक्ष्मण भूखा है, लक्ष्मण बेफालतू है, जो कि परात्परा के लिए सर भगवान है, अनंत देव है, और दिखाया मेघनाथ का महावीरता, मेघनाथ का पराक्रम, मेघनाथ का महिमा। यही होता है जड़ जगत का जितना सारे प्रतिभा, जड़ जगत का जितना सारे प्रतिभा होते रहते हैं,
ये प्रतिभा जो है ये ब्रेन ड्रेन का मापिक हो जाता है, ब्रेन ड्रेन। जैसे ब्रिटिश अमल में ब्रेन अगर आपका है इसको ड्रेन में फेंक दिया जाएगा, यूटिलाइज नहीं करेगा। मठ में भी ऐसा विचार चलता है, पॉलिटिक्स चलता है, ये इसका इसका जो एनर्जी है, इसका जो ब्रेन है, इसको ड्रेन कर दो तो हमको साबित करेंगे हम सबसे बड़ा है। ये सब हर जगह ये विचार चल रहा है, ये असुरों का विचार है। किसी का अंदर में अगर प्रतिभा है, ये प्रतिभा को अगर भक्ति में लगाया जाए तो इसका वैल्यू है। प्रतिभा किसी का अंदर में प्रतिभा है, अगर ये प्रतिभा को भगवत सेवा में लगाया जाए तो इसका लिए कोई हर्जा नहीं, ये तो अच्छा है। लेकिन बाकी जो प्रतिभा है वो भक्तिमोहन ठाकुर का जो विचार है, जड़ो विद्या यथो मायार वैभव तुम्हार भजन बाधा अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव के करे गाधा। जितना भी प्रतिभा है, जितना भी प्रतिष्ठा है, सब बेकार है, वास्तव यूटिलिटी उसका नहीं है। जो कृष्णाधीन याद है ना, वो कृष्ण वो कीर्तन याद है ना, आर कैनो माया जले परित जीवमिन, याद है ना वो कीर्तन, छोटा कीर्तन बहुत कीमती, बहुत इंपॉर्टेंट। आर कैनो माया जाले परिते च जीव मिनो नहीं जानो बद्ध होए रवे तुमी चिरो दिनो। अति तुच्छ भोग आसे हैं, अति तुच्छ भोग आसे, ओ माया में फंस गया। और अंतिम लाइन में बोलता है, एखनो चेतन पिए कृष्ण कृपा सिंधु जले अनायसे थाको तुमी हुए कृष्ण प्रेमाधीनो। अभी भी अगर गुरु वैष्णव का कृपा मिल गया तो कृष्ण कृपा सिंधु जले तैरते रहो और कृष्ण का अनुगत में हुए कृष्ण प्रेमाधीनो, कृष्ण का अधीन बन के रहो, नहीं तो माया का अधीन, दोनों में एक ही रास्ता खोला है, नहीं तो माया अधीन, नहीं तो कृष्ण अधीन। तो माया का अधीन होके ये जीव जो है मुर्दा बन गया, मृत्यु भाई जीवन मृत्यु ही सौ। शारीरिक ये शरीर का द्वारा जो क्रियाकर्म होता है मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, ये शारीरिक और मानसिक संपदा, ये जो शारीरिक और मानसिक संपदा, इसमें समृद्धि होने का जो चेष्टा है, प्रभुपाद कह रहे ये चेतना का धर्म नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है। शरीर का साथ जोड़ा हुआ जो है, शरीर संबंधित जो वस्तु है, इसका प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, इसको समृद्धि में लगे हुए हैं। तो शारीरिक और मानसिक संपदा, इसमें समृद्धि होने का जो प्रयास प्रचेष्टा है, प्रभुपाद कह रही है ये आत्मा का धर्म नहीं है, ये प्राणहीन है, अचेतन का कार्य है, अज्ञान का कार्य है। भक्ति को लेकर बहुत सारे चर्चा हुआ, आत्मा का भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल, प्रभुपाद जी बताए। और भोगी और त्यागी दोनों ही अशांत है, महादुखी है। भक्त ही सुखी है, शांत है, ये संभव है। साधु का कर्तव्य है उसका जो अनर्थ का जो जड़ है उसको काट के फेंक दे, साधु का ये काम है। जैसे ये काल चर्चा हो पाएगा आज, ये जो निर्विन्ना नितरम भुमान असदिंद्रियो तर्षणात् जेनो संभास मानेनो प्रपन्यांधम तमहा प्रभु, ये जो बताया ये देवाहुति मैया, देवाहुति मैया पुत्र रूपी कपिल जी भगवान के सामने ये अपना दुग भरे नाले पेश कर दी,
ये सब मेटेरियल जगत में जितना सारे एंजॉयमेंट है, ये एंजॉयमेंट इसका मजा लेते 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 बस फेड अप हो गया, हो गई फेड अप। निर्विन्ना मतलब एक्सट्रीम अवस्था, इसमें कोई रुचि नहीं रखा। आज इसी अवस्था में पहुंच गया जिसमें ये मेटेरियल एंजॉयमेंट में कोई कोई मजा नहीं मिलता। ये फॉरेन में जितना सारे है, जितना सारे सुइसाइड का केस है, ज्यादातर यूरोपियन कंट्री ये सब जगह देख लेना विचार स्टैटिस्टिक्स, इसमें ज्यादा होता है। क्यों? भोगों का एक्सट्रीम अवस्था में जाकर कुछ नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन हो जाता है। बहुत साल पहले का बात, तीर्थ महाराज जी कह रहे थे, बाहर गए थे वहाँ स्विट्जरलैंड कौन सी जगह है, उस जगह सुइसाइड का केस ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो ये जो कपिल जी महाराज का सामने अपना दुख भरे नाले पेश कर दी, ये आपका देवाहुति मैया ने, पहले तो मनुपुत्री आई थी और कर्दम ऋषि का सेवा में जुट गई। उसके बाद बहुत वैराग्य साधन करने का बाद कर्दम ऋषि ने बात उठाई कि बहुत कष्ट कर लिया, थोड़ा एंजॉयमेंट कर लो जो आपका मन की ख्वाहिश है, और जितना सारे वैभव को प्रकट की है अपना जुगबल में, ये असंभव है। अपना जुगबल के द्वारा जोग विभूति प्रकट की और इतना जोग विभूति है उसको तुलना नहीं किया जाए इतना। और इसका साथ बहुत समय तक देवावती मैया का साथ कर्दम ऋषि कर्दम जी पिहार की, और उसके बाद ये पहले तैर करके रखी जो अपना एक नो बेटा होने का बाद मैं निकल जाऊं सन्यास लेके प्रभु जाए, लेकिन बहुत सारे लड़की पैदा हुई और जाना चाहे तो प्रार्थना की आप अभी कैसे जा सकते हो, मैं कैसे समाधान कर सकती हूँ। उसके बाद भगवान का आदेश, उसके बाद तो जानती ही हो कपिल जी महाराज आविर्भाव लिए। तो ये जो निर्विन्न नितरम भूमान असत इंद्रियो दर्शनाथ, ये जो इंद्रियां हैं इनके डिमांड का कोई शेष नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि निर्विन्न नितरम भूमान असत इंद्रियो दर्शनाथ, असत इंद्रियो तर्शन, तर्शन मतलब तृष्णा, तृष्णा ये असत इंद्रियों का तृष्णा जो हमने मिटाने गए तो इसका कोई समाधान नहीं हो पाई, क्योंकि जितना ही एंजॉयमेंट दो और ज्यादा चाहता, इसका कोई अंत नहीं है। पुरुरोबा का भी इतिहास है, ने बताया था ना ये सब चर्चा। तो निर्विन्न निचरम भवन असत इंद्रियो दर्शनात् जेनो संभस्व मानेनो प्रपन्यांधम तमाभ, अभी मैं अंधोतम में फंस गया, इतना दुरूह अवस्था। इसी को ही प्रभुपाद जी विचार करके बताए, ये मृत्यु अवस्था चेतना खो बैठा, चेतना का उत्सव भगवत सेवा ये सब खो बैठा जो भी है। अभी गीता में चर्चा करते हुए उस दिन ये सब चर्चा हो गया था, दोबारा नहीं हो पाएगा। ये तु सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास मत्परः अनन्य नैव योगेन मां धायन्तु उपासते तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थो मय्यावेशित चेतसम, ये सब चर्चा हो गया। इसमें याद दिलाने के लिए मैं बोल रहा हूं
कृष्ण का जो तत्व है संपूर्ण समझ के, ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्मण ब्रह्म का प्रतिष्ठा मैं हूँ, ब्रह्म ज्योति का सब कुछ है, और परमात्मा जो ये आंशिक प्रकाश है, और भगवान का जितना सारे तत्व है पूरा समझने का बात, इसका बात कर्म ज्ञान निरपेक्षा केवल भक्ति के द्वारा ही अचिरात बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति संभव है, ये सब चर्चा हुआ। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग हमारा प्रति वैकांतिक भक्ति पारायण, ये लोग स्वस्व वर्णो चितो वो आश्रम चितो जावतीय विहित कर्मों को केवला भक्ति का विक्षेप जो पहले अभी चर्चा हुआ था 10 मिनट पहले, भगवान कह रहे हैं कि जो लोग हमारा प्रति वैकांतिक भक्ति पारायण, ये लोग स्वस्व वर्ण आश्रम चितो जावतीय विहित कर्मों को केवला भक्ति का खिलाफ है, विक्षेप है, ये इसका अनुभव में आता है। इसलिए वो सब इसी अवस्था में अनन्य भक्ति केवला भक्ति में ये सब परित्यक पूर्वक मत पारायण होके जो हमारा सेवा करते रहते एकमात्र पुरुषत्व विचार करके मेरा नाम रूप गुण लीला श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब करते रहते हैं, अनन्य भक्ति जो हम उपासना करे और श्रवणादि समय में भी साधन काल में भी हमारा ओर खिंचावट पैदा होता है, निविष्ट मना हो जाता है, ऐसा किस्म का मदाविष्ट चित्तो मदनो रक्तो भक्तगण को हम अनायास दुस्तर संसार समंदर से उद्धार कर देता हूं। तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। इसका विलंब कोई इसका लिए कोई समय का खेपन जरूरी नहीं है। भगवान गुरुर का सहारा लेकर, मतलब अपना गुरुर जो है, गुरुर को गुरुर का पिष्य में आरोहण करा के जल्दी अपना धाम में ले आता हूँ। ये विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद सारार्थ दर्शनी इनो विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद का टीका का ये सार विषय है। और बाकी जो है कर्म ज्ञानी ये लोगों का मापिक, इसका समय खराब करने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। कर्म तपस्या ज्ञान वैराग्य योग दान धर्मो अन्य तीर्थ तप इत्यादि जा किचु लाभ होता है, जो कि जो कुछ भी लाभ करना चाहता है इतना कसरत करके, भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्तो अनायास ये सब मिलता है, मेरा भक्तों को भक्तो भक्ति योग के द्वारा अनायास ये सब प्राप्त होता है। इस विषय में 2 दिन पहले ही चर्चा हुआ था मैंने पिछले सप्ताह, यत कर्म वीर यत तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत सर्वम मद्भक्ति योगेन मद्भक्त लभते अंजसा, ये सारे मेरा भक्तो अनायास इसको मिल जाता है, इसका लिए कोई अलग सब प्रयास प्रचेष्टा का जरूरत नहीं होता। बिल्लमंगल ठाकुर भी भागवत का तो बहुत प्रमाण है, बिल्लमंगल ठाकुर का भी कहना है भक्ति स्तोई स्थिर तारा भगवान यदि साथ दैवेन हृदय फलत दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ कामो गतयो समय प्रतीक्षा, ऐसा ही बात है। हे भगवान, जब अनन्य भक्ति के द्वारा आपका दिव्य किशोर मूर्ति हृदय में प्रकाशित होता है
उस समय में कुछ अधूरा नहीं रह जाता, सारे पूर्ति हो जाते। दैवेन न हृदय फलती दिव्य किशोर मूर्ति। उस समय मुक्ति स्वयं मुकुलतांजलि, मुक्ति स्वयं हाथ जोड़ करके दासीवत खड़ा रहती है, और धर्म अर्थ काम के द्वारा जो कुछ प्राप्त करना चाहता है आम आदमी, ये स्वयं मुकुलतांजलि हाथ जोड़ करके खड़ा रहती है। कब क्या चाहिए तो उसको पूर्ति करने के लिए मुक्ति स्वयं मुकुलतांजलि सेवते आसमान धर्मार्थ काम गतो समय प्रतीक्षा, समय का प्रतीक्षा में खड़ा रहते है। कब कब हमको एक बार भूला है कि हम सेवा करके कृतकृतार्थ हो जाएंगे, ऐसा ही है। उसका बाद ये भी चर्चा हुआ था, मैं ये व मनो अध्वस्सो मई बुद्धिम निवेशयो निवशी शशि मई एव अथो ऊर्धम न संशयो। हमारा जो श्याम सुंदर आकार जो मन स्थिर करके स्मरण करो, मुझ में ही बुद्धि स्थिर बुद्धिवृत्ति नियुक्त करो, इसमें क्या होगा जो अंतिम देहांते हमारा निकट अवस्थान करने में समर्थ हो गया, हमारे पास आओगे। भक्ति में ठाकुर भी ये बताए, हमारा जो नित्य भगवत स्वरूप में मन को स्थिर करके शरण करो, और तुम्हारा विवेकी विवेकवती बुद्धि को हमको हम मुझ में नियुक्त कर दो, एवं भगवत तत्व ही भगवत तत्वों में प्रतिष्ठित हो जाओ। इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगा, ये साधन भक्ति का सर्वोच्च फल जो है ये निरुपाधिक प्रेम, ये लाभ करने समर्थ हो। जिसका सिद्धांत का विचार नहीं है बिल्कुल, वो जितना ही दिखाए उसका अंदर में भक्ति नहीं है, ये सिद्धांत का गहरा विचार। जिसका अंदर में कोई सिद्धांत विचार नहीं बनता बिल्कुल नहीं है, उसका जरूर समझ के रखना उसका भक्ति नहीं है। गौरकिशोर बाबा बाहरी दृष्टि में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी गौरकिशोर बाबा जी महाराज का बारे में भोबा जी ने बताए, हैरान हो गया प्रभुपाद जी। एक दफे पहुंचे, बहुत कष्ट से बाबा जी महाराज के साथ मिलन हुआ, चरण वंदन की दंडवत की, क्योंकि बाहरी जगत का जितना सारे जड़ बुद्धि वाले हैं उनको बोखा बनाने के लिए बाबा जी महाराज अपना पब्लिक लेटरिन में घुस गया भजन करने के लिए, कोई डिस्टर्ब करे ये कृपा करो ये कृपा करो इसी घुस गया। और प्रभुपाद जी आए तो बुलाने लगे, बाबा जी महाराज मैं आया हूँ आपका दास हूँ विमला प्रसाद, बार बार कहते कहते समझ में आए कि मेरा प्रभु आया है, तो तुरंत बाथरूम से निकल के आए, और क्योंकि प्रभुपाद जी कहे हमको भी आप वंचित करना चाहे, हमको भी आप बुका बनाना चाहते हो वंचित करना चाहते हो हैं, इसलिए हंसते हंसते निकल आए और कृपा कर दी। और पोपा जी को बताए एक भागवत का कोई भी श्लोक आप बताओ, पोपा जी ने एक भागवत का श्लोक बताए। उसके बाद गौरकिशोर बाबा जी महाराज ने प्रार्थना की एक ये श्लोक का थोड़ा व्याख्या सुना सुनाइए प्रभु मेरा प्रभु। जब व्याख्या हो गई, व्याख्या सुनने के बाबा जी महाराज बोले वाह कितना सुंदर व्याख्या आह। इसके बाद बाबा जी महाराज कहे अच्छा हमारा प्रभु अगर ये श्लोक का ऐसा व्याख्या हो कैसा लगता है, बोल के अपने आप व्याख्या करना शुरू कर दिया। व्याख्या खत्म होने का बाबू प्रभुपाद हैरान हो गया, बोले बाहरी दृष्टि में बाबा जी महाराज को लिखा पढ़ा नहीं है लेकिन भगवत का ऐसा व्याख्या ये असंभव है, आज तक सुना ही नहीं इतना सुंदर व्याख्या कैसे संभव है जबकि वो लिखा पढ़ा नहीं है। तो पापा जी ने शिक्षा दिया हमको, हम लोगों को शिक्षा के लिए बताएं
जो सिद्धांत ज्ञान वर्जित सिद्धांत ज्ञान वर्जित कोई साधु है, हैं वो साधु है, बड़ा वैष्णव है, ये हो ही नहीं सकता। भक्ति है इसका अंदर में, हो नहीं सकता। सिद्धांत तो नहीं है, सिद्धांत वर्जित आदमी भक्ति विहीन है, और भक्ति समन्वित व्यक्ति लिखा पड़ा नहीं भी है, सिद्धांत तो उसके अंदर में है, यही पक्का कठोर सिद्धांत विचार। तो 8 नंबर श्लोक में प्रभुपाद जी ये जो भगवान अर्जुन को बताएं ऑल्टरनेटिव बता रहे, धीरे धीरे आगे चलकर मई एव मनो अध्यत्सो मई बुद्धिम निवेश निवशी शशि मई एव अतो ऊर्धम न संशय। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें आप शरीर छोड़ने के बाद मेरा पास ही आओगे, अर्थात मेरे धाम में ही आओगे। 9 नंबर तक चर्चा हुआ था शायद, अथो चित्तम समाधातुम न सकनोसी मई स्थिरम अभ्यास योगे न तथो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, अगर चित्तों को मुझ में स्थिर नहीं कर पाते हो, संभव नहीं है, तो हे धनंजय चित्तों को मुझ में लगाना मैं जानता हूँ असंभव है, असंभव है। ये सब प्रश्न हो चुका है, मन मन दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन अतु किंत वैराग्यन च गृहत, ये तो प्रिलिमिनरी बताया था भगवान। इधर भी भगवान कह रहे हैं हे धनंजय, यदि तुम्हारा चित्तों को मुझ में लगाने में समर्थ नहीं हो, समाहित करने में असमर्थ हो, तो अभ्यास जो के द्वारा मेरे को लाभ करने का प्रयत्न करो, बनाओ चेष्टा करो अभ्यास योग के द्वारा। तो ये अभ्यास योग का पहले भी बताया था, अभ्यास न तू कौन देव वैराग्यण चागृह थे, और यहाँ भी अभ्यास योग के द्वारा ये संभव है। तमाम विषयों से दिल को हटाकर मुझ में लगाना ये कोई मामूली बात नहीं है। स्वाभाविक रूप से जीव बद्ध दशा के कारण हजारों ओर ये बद्ध जीव का मन दौड़ रहा है, चंचलम अस्थिरम, ये चंचल अस्थिर है, चारों ओर दौड़ रहा है मन, इसको एक दिशा में लाकर चित्तों का अब में लगाना ये कोई मामूली बात नहीं है। फिर भी कोई चेष्टा करो, भगवान बोले देखो अभ्यास जो करते चलो, अभ्यास जो के द्वारा मेरे को लाभ करने में समर्थ हो जाओगे। भक्तिविनोद ठाकुर जी का मत ये कहना है, विचार है, यदि अगर सहज अनुराग के द्वारा चित्त स्थिर करने में तुम समर्थ नहीं हो, सहज अनुराग मतलब इसमें इंडिकेशन है रागानु का भजन, जैसे चैतन्य चरितमृत तो है ना, कृष्णेर स्वाभाविक भूति ब्रजवासी भूति, ब्रजवासी स्वाभाविक भूति कृष्णपति अटैचमेंट, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बनावटी भाव नहीं है। इसे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहे बता दी, यदि सहज अनुराग के द्वारा मुझमें चित्त स्थिर करने में समर्थ ना हो, तो वैधि अभ्यास जो के द्वारा मेरे को प्राप्ति करने का प्रयास प्रचेष्टा करो। वैधि अभ्यास योग के द्वारा मुझमें मुझको प्राप्त करने का प्रयत्न करो। तात्पर्य ये है, ये भक्तों तो कह रहे हैं कि परम पुरुषार्थ रूप प्रेम का साधन दो किस्म का है, दो प्रकार का है। परम भक्तों तो कह रहे हैं परम पुरुषार्थ रूप प्रेम का साधन जो है ये दो किस्म का हो सकता है, अर्थात राग मार्ग और विधि मार्ग है। राग मार्ग के द्वारा भक्तों का चित्त जो है स्वाभाविक रूप में लोभ उत्पन्न भई, लोभ उत्पन्न होने के कारण स्वाभाविक रूप उधर खिंचावट है,
जिस वस्तु में जिसका लोभ है उस वस्तु का ऊपर उसका जो कंसंट्रेशन है ये स्वाभाविक है। किसी नौजवान लड़का ने किसी का साथ प्रेम की, किसी लड़की का साथ, बस स्वाभाविक सारा दिन वो चलते रहते हैं, उसका कोई चेष्टा का दरकार नहीं है, अपने आप मन भगादुरी कर रहा है, उसे उधर ही है मन, कैसा खिंचावट है देखो, कोई प्रचेष्टा का दरकार, अपने आप खींच रहा है, अपने आप जा रहा है। जहां महाप्रभु जी ने सुंदर उदाहरण दिए ना, हैं पर व्यासनिनी नारी बैग्रा ओपी गृह कर्मसु तदैव साधयति अंतर नवसंगम रसायन। पर व्यासनिनी नारी बैग्रा ओपी गृह कर्मसु, पर पुरुष का साथ उसका प्रेम प्रेम के साथ जुड़ी हुई है, बाहर में स्वामी का साथ प्रीत दिखा रही है, स्वाभाविक रूप में उसका चित्त जो है मन जो है बाहर गया और जो काम कर रहा है वो अभ्यास का मुताबिक, ये अभ्यास बना बन गया। पर व्यासननी नारी बैग्राउपी गृह कर्मसु, अपना देखने में गृह कर्म में देखने में लगता है कि घरेलू कर्म में लगी हुई है, लेकिन वास्तव ये है कि उसका मन तो इधर नहीं है, शरीर है और बाकी जो मन है वो चला गया, मन चला गया दूसरा जगह। महाप्रभु जी ने ये उदाहरण देके साबित की ये कितना नेचुरल है, देखो नेचुरल मतलब ये प्राकृत जगत में नेचुरल, और प्राकृत जगत का नेचुरल तो भक्ति इज द नेचुरल नेचुरल फंक्शन ऑफ सोल, ये नहीं बता रहा है, प्राकृत जगत का ये स्वाभाविक है। जब पर व्यासननी नारी बैग्राओपी गृह कर्मसु तदैव स्वाद अति अंतर नवसंग रखा रसायन, हृदय में मन ही मन, बाहर में दिखावा है संसार का क्रियाक्रम जो है, बाकी मन ही मन, बस मन पहुंच गया दूसरा जगह। रागातिका भक्तोद्योग का जो चेष्टा है प्रयास प्रचेष्टा है इसमें ताते लोभ जेस और लोभ रूपी साधन, इसमें लोभ है ग्रीट खिंचावट है और इसको ही रागानु का भक्ति बोला जाए। धीरो श्रद्धा के द्वारा जो साधन होता है इसको बोधि भक्ति, इसके इसमें स्वाभाविक खिंचावट नहीं है, लेकिन जो भी ये विधि निषेध रेस्ट्रिक्शन रूल्स एंड रेगुलेशन को सामने रखकर अपना जिंदे जीवन जिंदगी को रेगुलेटेड करके बोधि साधन भक्ति के साधन में लगे हुए, ये हो सकता है। बलदेव बुद्धभूषण जी ने बताए नोनु गंगे वो ये शाम मनोवृत्ति रोगवती तेषाम त्वम प्राप्ति त्वरया सत ममो तू तादृशी है नो तद्वृत्ति ततः कथम सेति चेत तत्राहो तथेति। कहने का मतलब है जैसे कपिल जी महाराज अपना मैया देवादी को उपदेश दी, ये जब भक्ति पैदा होता है तब कैसा है अनन्य भक्ति का जो विशेष है ये क्या है, इसका बारे में कपिल जी महाराज अपना देवावती मैया को बताए। तीसरा कंद स्कंद में आता है मदगुण सुति मात्रेन मई सर्व गुहा सही, जिसका खिंचावट है मेरे स्वरूप का ओर मेरा ओर, तो इसका लिए क्या है मदगुण सुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय मनोगति रवि छिन्ना यथा गंगाम्बोसो अम्बधौ। यह उदाहरण दिया कपिल जी महाराज मदगुत मदगुण सुति मात्रेण, मेरा गुणावली गुण कीर्तन सुनने का साथ साथ क्या होता है मदगुण
जिसको मदगुण श्रुति मात्रे न मोहि सर्वगुहास है, हमारा रूप गुण का बारे में श्रवण करने के बाद मदगुण श्रुति मात्रेण मोहि सर्वगुहास है, मैं जो अंदर में बैठा हुआ हूं उसका और मन खिंचावट है। इसका उदाहरण देते हुए बताया मदगुण श्रुति मात्रेण मोहि सर्वगुहास है और मनोगति रविच्छिन्न कंटिन्यूअस तैल धरावत, कंटिन्यूअसली तैल धरावत, एक तो तेल का जो धारा है निरवच्छिन्न धारा कंटिन्यूअसली ऐसा होता है। मदगुण श्रुति मात्रेण मोहि सर्वगुहास है, मनोगति रविच्छिन्न, इसके में छेद नहीं है, मनोगति रविच्छिन्न यथा गंगा वसु अम्बधा, जैसे गंगा का फ्लो का कोई छेद नहीं कर सकते, संभव नहीं है, ऐसा मैं हो सकता। मदगुण श्रुति मात्रेण मोहि सर्वगुहास है, मनोगति रविच्छिन्न यथा गंगा वसु अम्बधा, जैसे गंगा का पानी, गंगा का पानी ये भाग रही है, मनोगति रविच्छिन्न यथा गंगा वसु अम्बधो। भक्तिमोहन ठाकुर जी ने बताए परम पुरुषार्थ रूप प्रेम साधन दो प्रकार, एक रागमग विधिमग, रागात्विक भक्तों के लिए चेष्टा देख के रागात्विक भक्त दिगे लोगों का भक्ति लोग भक्त लोगों का चेष्टा देखकर जिसका लोभ पूर्णो लोभ पूर्वक लोभ देखकर जो साधन होता है उसको रागानुगा भक्ति बोला है, लोभ पूर्वक दृढ़ श्रद्धा के द्वारा, दृढ़ श्रद्धा के द्वारा जो साधन रूल्स एंड रेगुलेशन अपने अपने को रेगुलेट करना, नियम विधि नियम पालन करके, इसको विधि मार्ग बोला जाता है। जिसका दिल में सहज राग का अभाव है, जिसका दिल में सहज राग अभाव राग का अभाव है, इसके लिए वैदी पंथ श्रेष्ठ है। भक्तिमय ठाकुर जी ने ये सब बताए। अथो चित्तम समाधातुम न सकनोसी मई स्थिरम अभ्यास योगे न ततो माम मिप्छाप्तुम धनंजय, ऐसा करके भक्तिमय ठाकुर जी ने व्यक्ता की। यदि अगर कोई पूर्व पक्ष करना चाहता है, तर्क उठाना चाहे, जिन लोगों का मनोवृत्ति सागर अभिमुखी गंगा का मापिक, ये भगवान का प्रतीक, भगवान का प्रति वेग विशिष्ट हो जाता है, अतः जल्दी करता है, बहुत जल्द, ये लोग अचिरात जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जे लोगों का चित्त वृत्ति स्वरूप वेगवती नहीं है, स्ट्रैग्नेंट अवस्था, एक निश्चल अवस्था को प्राप्त किए हैं, ये लोगों के लिए भगवत प्राप्ति का कोई विधान है नहीं क्या, कोई है? इसका उत्तर में भगवान जी ने बताए, भगवान दूसरा किस्म का व्यवस्था रखा है। ये है जे लोग पूर्वोक्त उपाय, जो लोग पहले इधर लिखा हुआ है, जो लोग पूर्वोक्त विधि का उपाय के अनुसार चित्त स्थिर भावे समाहित करते असमर्थ, समर्थ नहीं है,
ये लोग अभ्यास जो के द्वारा हमको लाभ कर सकता है, अर्थात मत व्यतीतो विषयांतर या आकृष्ट चित्त को मेरे को छोड़कर दूसरा चीजों में जो मन भग रहा है इसको एक एक करके धीरे धीरे उसको हटाकर मत व्यतीतो विषयांतर में आकृष्ट चित्त को धीरे धीरे प्रत्याहार करके मुझ में स्थापन करना। अतः भगवान कहते हैं मेरे में स्थापन करना। ये ऐसा जो चेष्टा है इसका नाम है अभ्यास योग। ये अभ्यास योग के द्वारा चित्तो मत प्रवण मेरा उठ खिंचावर होता है इसका, ये जीवात्मा का, अर्थात मदासक्तो मदासक्त तो करते पार ले, अर्थात मदा मेरा और अगर खिंचावट का अनुभव करे तो धीरे धीरे मेरा प्राप्ति सुलभ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे चलकर 10 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं अभ्यासे उपी असमर्थ हो, अगर ये भी नहीं बन पाए तो क्या होगा। अभ्यास योग एक तरीका बताए, अगर अभ्यास योग संभव नहीं हो पाया ये भी तो हो सकता है, मैं अभ्यास जो करने गया तो हो नहीं रहा, तो इसका कोई रास्ता है नहीं भगवान ना, इसका लिए भी अलग रास्ता है। अभ्यास से ओपी असमर्थ हो, अगर अभ्यास में समर्थ नहीं हो, मन को धीरे धीरे गुरु वैष्णव अनु को हटा हटा कर धीरे धीरे भगवान में लगाना, ये सब बड़ा कठिन काम है। ठीक है चलो, ये अगर नहीं समर्थ है अभ्यास से ओपी असमर्थ हो, अभ्यास से ओपी असमर्थ हो उसी मत कर्म परो भव, मदर्थम ओपी कर्माणि कुर्वन सिद्धिम अवाप सोसी। यदि अगर अभ्यास योग में समर्थ नहीं हो पाए तो मेरे में अर्पित जो कर्म परायण हो जाओ, अभ्यास ओपी असमर्थ उसी मत कर्मो कृत, मत कर्मो कृत मतलब इसका माने हैं भगवान के संबंध में, मत कर्म कृत मतलब मेरा संबंध में जो क्रिया कर्म होता है वे करते रहो, वो कैसा है इसका बहुत सारे विचार हैं, बहुत किस्म का मत कर्म कृत हो सकता है, तुलसी गार्डन करो, पुष्प चयन करो, पुष्प बागन जलाशय करो, कुछ भी भगवान सेवा में रिलेटेड सारे कर्म करो, करते चलो। यदि अगर अभ्यास में भी समर्थ नहीं है मत कर्म के, मेरा लिए कर्म करो, जो कुछ भी करो ये सब करते चलो, इसमें क्या होगा धीरे धीरे चित्त स्थिर हो जाए और सिद्धि लाभ होना संभव है। अभी प्रश्न होता है जो वायु का नए जो मन है अतिशय चंचल हेतु, इसका तो प्रत्याहार करना अर्थात दूसरा वस्तु से हटा कर ले आना ये तो असंभव है, फिर भी संभव है। यदि अगर कहे इसमें मेरा समर्थ नहीं है, अभ्यासे उपी असमर्थ हो, तो इसका लिए बताया गया पुरुषार्थ तो साधक जो श्रेष्ठ कर्म है ये सब कर्म करते चलो। जैसे हमारा मंदिर का निर्माण है, पुष्प वाटिका है, तुलसी का गार्डन वाटिका करो, इसमें सेचन करते चलो। जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एक दफे अपना दो शिष्यों को बताएं, हे तुम्हें काम करो, इसमें वृक्ष लगाओ, पेड़ पौधा लगाओ और पानी दो। तो ये लोग तर्क उठाया, बोले क्यों हम क्या पानी पेड़ पौधा में पानी देने के लिए आया। बोले बाबा जी मैं बोले ना तुमको यही करना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए भक्ति, ये करो। इस माना नहीं, और भक्ति में ठाकुर आए तो शिकायत किए, जब बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि आप ये करो,
हैं, इसमें सब्जी का बगान करो, पुष्प पाटिका करो, ये सब करो, क्या है? इसलिए आया है हम लोग। भक्तिमय ठाकुर जी ने बताए बाबा जी महाराज ठीक किया है। बाबा जी महाराज अगर कहा है तो आपको यही करना पड़ेगा, विचार यही बना। दूसरे के लिए विचार यही बनता है तो आपको यही करना पड़ेगा। वो लोग गुस्सा हो गया, क्यों ऐसा करे, वो बैठे बैठे माला टानना इसको ही भजन समझा। लेकिन गोरख जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोले जाओ ऐसा करो। और दूसरे एक को भक्तिमय ठाकुर ने शस्ती दी, कैसा शस्ती, पनिशमेंट, आप पूरा तमाम धाम पैदल घूम के आओ सारे चारों ओर। तो मेरा संबंधित जो कर्म है ऐसा करो कि मेरा मंदिर निर्माण करो, मेरा पुष्प पाटिका करो, जल सेचन करवो, ऐसा करते रहो। हमारा तुष्टि के लिए जो सब सहज साध्य कर्म जो है करने में समर्थ हो तुम करो। ऐसा करते करते तुम, लेकिन ऐसा है, तुम कैसे करोगे, ऐसा करते करते ये सब सहज कर्मों जो साधो कर्म गुली करते हैं, करते करते क्या होगा, तुम्हें वही इसी स्थान में उपस्थित ये अतिशय मनोज्ञ हमारा मूर्ति महिमा तादृश मनोज्ञ हमारा मूर्ति और निरंतर हैया, ये सब सेवा करते किसके लिए कर रहा हूँ, इसका चिंतन करते करते हमारा सामिप्य रूप संसिद्धि लाभ करने में समर्थ हो जाओगे। ये करते चलो, कर्म करने में तुम्हारा मन हाँ कि भाव आएगा, आएगी ना भाव आएगी, किस लिए किसके लिए कर रहा हूँ, ऐसा करते चलो। और विश्वनाथ चतुर्थी बाद इसमें व्याख्या किए, या अगर अभ्यास उपय असमर्थ हो, ऐसा अगर कोई व्यक्ति है जो अभ्यास योग में उसका रुचिकर नहीं है, विश्वनाथ चतुर्थी बाद जी ने बताएं कि जैसे जैसे पीला रोग होने से, पीला रोग होने से मिश्री भी तीता लगता है, पीला रोग होने से, जैसे पीला रोग होने से भी पित्तों के द्वारा दूषित जिह्वा में मिश्री जो है ये तीता लगता है, कड़वा लगता है, इच्छा नहीं लगता कि मिश्री को चोषण करे, ऐसा माफिक अविद्वा के द्वारा दूषित मन जो है भवदीय मधुर रूपादि ग्रहण करने में समर्थ नहीं। विश्वनाथ चतुर्थी बात कह रहे हैं ठीक इसी प्रकार अविद्या के द्वारा दूषित जो भवदीय मूर्ति का, भवदीय मधुर रूपादि का गोहन होता नहीं, जैसे अविद्या का द्वारा दूषित मन, जैसे जिह्वा पित्त के द्वारा दूषित जिह्वा मीठा मिश्री को भी कड़वा लगता है इसको, ऐसा मापिक अविद्या दूषित मन के द्वारा भवदियो आपका मधुर जो रूपादि ये भी ग्रहण करना इसके लिए संभव नहीं बनता, होता नहीं। अतएव इसीलिए दुर्ग्रह दुर्ग्रह प्रबल मन को मन के सहित हम युद्ध करने में समर्थन नहीं। अगर ऐसा बताए, यदि अगर मनो कि ऐसा संभव नहीं है मेरे, मैं युद्ध करने में समर्थ नहीं हूँ मन के साथ लड़ाई करने में, तो मेरा कर्म जो है कर्म समूह करो, कार्य करो। हमारा जो कर्म कर्म श्रेष्ठ है, हमारा हमारा कर्म समूह श्रेष्ठ है कार्य जहाँ तिनी, ये जो मत कर्म परमो भव ये सब करते रहो। कर्माणि अर्थात मोदियों कथा शवन कीर्तन वंदन अर्चन हमारा मंदिर मार्जन प्रक्षण पुष्प पुष्पो चयन परिचर्यादि करते करते मेरा स्मरण बिना ही सिद्धिम अर्थात प्रेम प्रेम बद पार्षदत्व लक्षणा सिद्धि लाभ करेंगे। एतद विषय में भागवत में लंबा चौड़ा व्याख्या है।
उद्धव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण जी ने बताए, मनलिंगो मदभक्त जनो दर्शनो स्पर्शनार्चनम, ध्यान से सुनना, मनलिंगो मदभक्त जनो दर्शनो स्पर्शनार्चनम परिचर्या स्तुति प्रहोवणो कून कर्मानुकीर्तनम। मत कथा श्रवणे श्रद्धा मदनु ध्यान उद्धव सर्वो लाभोपोहरणम दसेनात्मनिवेदन मज्जन्म कर्म कथनम ममो परवानु परवानुमोदनम गीततांडवादित्रो गोष्ठीभिर् मद्गृहोत्सव यात्रा बोली विधानंचो सर्ववार्षिक पर्वसु वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीयो व्रतोधारणम ममार्चा स्थापने ममो अर्चा स्थापने श्रद्धा सतः संहृतो चोत्तम उद्दानपो वन क्रीडो पूर्व मंदिर कर्मणि सन्मार्जनो उपलेपो भ्याम सेको मंडलो वर्तनै गृहो शुश्रूषणम मह्यम दासवत यद मायाया अमानित्तम अदिम्भत अदम्भित्तम कृतस्या उपरि कीर्तनम ओपी दीपावलोकम मे नोपोजुंजत निवेदितम यद्यद् इष्टतमं लोके जच्चाति प्रियो मात्मनः तत्तत् निवेदयेत् मह्यं तदन्ततय कल्पते तद् अनन्ताय कल्पते। एतत् ये सब बताए, मेरा भक्त है, मेरा जो लिंग, मेरा जो मूर्ति है, ये दर्शन करो, स्पर्श अर्चनम करो, परिचर्या स्तुति करो, हैं, गुणकीर्तन करो, मत कथा श्रवण करो, श्रद्धा अनुध्यान करो, उद्धव हैं सर्वो में मत उद्देश्य अर्पण करो, मेरा जो जन्मतिथि है, पर्व है, ये सब पालन करो, जन्माष्टमी आदि, इसमें गीत तांडव ये सब नित्य गीत कीर्तन करो, गोष्ठी भी सहो गृहस्व यात्रा करो, रथ यात्रा आदि सर्वो वार्षिक ये सब जो सर्वो वार्षिक पर्वसु और वैदिकी तंत्र की दीक्षा मोदियो व्रतो धारण करो, ममार्चा स्थापन करो, श्रद्धा पूर्वक इसमें सेवा करो, उद्दान करो, उपवन करो, पूर्व मंदिर कर्मणि उसका ले संमार्जन करो, सन्मार्जनो उपलेपाभ्याम जैसे अम्बरीश महाराज जी ने किया, सारे ऐसा करके सारे दम्भ अहंकार छोड़कर भगवान ने ये सब बताया करने के लिए। इसीलिए बोला अभ्यासे ओपी असमर्थ उसी मत कर्मो परमो भवो मदर्थम ओपी कर्मानि कुर्बन सिद्धिम अवाप्सी। मेरा कर्म करते करते ऐसे जो करते करते रहोगे अंतर्मना निरंतर मना होके समीपूर्व सिद्धि लाभ करना तुम्हारे लिए संभव है, हमारा धाम में ही आओगे। 11 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया अथई तदपि अशक्त ओषी, अगर इसमें भी समर्थ नहीं हो, अथई तदपि अशक्त ओषी कर्तुम मद योग मश्रिता सर्व कर्मो फल त्यागम
ततः कुरु यतात्मवान। अगर यदि ऐसा कर्म करने में तुम्हारा मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, करने में समर्थ नहीं हो, अगर ऐसा करने में भी समर्थ नहीं हो, अगर यदि ये रूप कर्म करने में भी तुम समर्थ नहीं हो, अशक्त हो, तो इसमें एक काम करो, मेरा शरणागति रूप भक्ति युग का आश्रय पूर्वक संयत चित्त होकर सर्व कर्म फल त्याग करो, सर्व कर्म फल त्याग करते रहो। इसमें आगे चलकर तुम्हारा अनुभव आएगा। अथई तदपि अशक्त ओसी कर्तुम मद योग मश्रतः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। भक्तिमय ठाकुर ने कहा यदि मत कर्म आचरण में भी तुम्हारा समर्थन नहीं है, ये भी नहीं चाहते हो, तो आत्मवान होकर समस्त कर्म फल त्याग पूर्वक वैदिक कर्म से कर आचरण करो, ये करते रहो। इसमें उदाहरण है, पूर्व श्लोक में भगवान बताएं मत कर्म परो भव, ये जो उपदेश दिया है भगवान, अर्थात भगवान मंदिर मार्जन करो जैसे अम्बरीश महाराज जी ने किया है, सौ वही मनो कृष्ण पदार विंदियोर बाचांगसि वैकुंठ गुणान वर्णने करो तत् मंदिर मर्जनादिशु हैं, ये सब जो बताए सारे इंद्रियों को, सारे इंद्रियों को भगवान का सेवा में अम्बरीश महाराज जी ने लगा दिया। अगर किसी के अंदर में ये सब नहीं इच्छा होती, कोई इच्छा ऐसा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं लगता, अगर ऐसा है कि इच्छा ही नहीं लगता, ये सब करने में इच्छा नहीं है, पूर्वोत्तर श्लोक भगवान जो बताए मत कर्म परमो भव, ये उपदेश किया है, तो इस उपदेश के द्वारा भगवत मंदिर मंजन आदि जो सुखकर सुखकर जो कर्म हो, भगवान को सुखकर सेवा कर जो करने में भी अगर हम इतना बड़ा घराने हम इतना बड़ा नहीं बड़ा घराने का आदमी हैं, कैसे करें मंदिर पर नहीं धोना, तो ये तो हमारा काम नहीं, ऐसा अगर सोचे तो विमुख हो जाता है ना, इज्जत में लगता है। तो हम इतना इम्पोर्टेंट आदमी हैं, ये कैसे संभव है, जबकि भगवान ने दिखाया कि भगवान राष्ट्रीय युग में, भगवान राष्ट्रीय युग का अंदर है, जितना सारे ऋषि मुनि आए सब कोई का पैर धुलाए भगवान, ये सेवा मांग लिया। युधिष्ठिर महाराज हैरान हो गए, तुम्हारा सेवा कैसे, बोला हाँ यही मेरा सेवा है। तो किसी का अंदर में ऐसा ख्याल आ सकता है कि मैं, मेरे लिए ये सब संभव नहीं है करना। अम्बरीश महाराज सप्तदीप अधिपति होकर, अम्बरीश महाराज ने मंदिर आदि आदि सब नवम स्कंद में है इसका बारे में, और गौर आविर्भाव समय में भी गौर का जो लीला पुरुषोत्तम लीला जो है, इसमें चैतन्य महाप्रभु का, इसमें भी राजा प्रताप रुद्र का जो रथ मार्जन है, रास्ता मार्जन संगमांजनी लेकर ये जो सफाई कर्म करने का जो इच्छा है, पानी का जो चैतन्य चैतन्य में आता है, तबे प्रताप रुद्र करे अपन सेवन सुवर्ण मांजनी लैया करे पथ सम्मानजन चंदन जलते करे रथ निशे चने तुच्छ सेवा करे बसी रास सिंहासने उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन अतएव जगन्नाथेर कृपार भजन। महाप्रभु सुख पाइल से सेवा देखिते, महाप्रभुर कृपा हईल से सेवा हईते। ये जो प्रताप रुद्र का जो सेवा है, प्रताप रुद्र का ये सेवा देख के महाप्रभु संतुष्ट हो गया, जगन्नाथ का तुच्छ सेवा किया ऊंचा आसन में बैठ के। ये जो है इसमें इसमें हर आदमी का ये बस का काम नहीं, ये सकता नहीं, राजा प्रताप रुद्र किया, फिर अम्बरीश महाराज जी ने किया, ये कर सकता, लेकिन
ऐसा भी आदमी है इसमें मन नहीं लगता, ये करने का इच्छा नहीं है। कोई अगर ऐसा विचार करे ये संभव नहीं मेरे लिए करना, भगवान उपदिष्ट जो सेवा कर्म जो है इसका अंदर में अभी भी अहंकार नहीं गया, ये प्रतिबंधक है, वन काइंड ऑफ इम्पीडिमेंट्स, असमर्थ है, तो करुणामय भगवान इसका लिए और एक रास्ता रखा है। ये सब ऑल्टरनेटिव हुए, करुणामय भगवान इसके लिए योगाश्रय उपदेश कर दिया, मेरा शरणागत होके तुम्हारा सर्व कर्म फल जो कोई भी करो ये त्याग करो। भगवान में शरणागत होकर सर्व कर्म फल त्याग करो, करते रहो, ये योग भगवान बता दे। ये भी एक किस्म का योग है, सर्व कर्म फल त्याग करो, कोई कर्म फल के ऊपर कोई आशा नहीं रखना। जैसे गीता में पहले पहले अध्याय में बताए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मन को संयत करके, मन को संयत पूर्वक विजित मना होकर फलाभिसंधि रहित अग्निहोत्रादि भगवत आराधनारूप कर्म करते चलो, वितरण ये सब करो। इसके द्वारा हृदय में उदित ज्ञान उदित होगा, विषतंतु ने क्रमशः ग्रेजुअली हृदय का अभ्यंतर में ज्ञान उदित होते रहेगा धीरे धीरे। और गुरु कृपा के बिना ये तो संभव है नहीं। बीजी तो माना ये भागवत में है, जो 87 चैप्टर में दसम स्कंद में बीजी तो ऋषि को वायु भीरदंत मुनस्तुरगम जो बताया था ना, इसमें भी ये भाव बताया था। ये मन का ऊपर काबू करके बीजी तो मना होकर होना संभव नहीं, गुरु कृपा दरकार है। तो यदि भगवान बताया मन को अगर संयत पूर्वक विजित मना होकर फलाभिसंधि रोहित होकर अग्निहोत्रादि भगवत आराधना रूप कर्मों के द्वारा विषतंतु कने अभ्यंतर में ज्ञान उदित होगा, इसलिए कर्म करना जरूरी है, बिना कर्म होगा नहीं। उदित कर्मों के द्वारा अपना स्वरूप और परो स्वरूप का ज्ञान लाभ करो, तो धीरे धीरे अपना अंदर में स्वस्वरूप, अपना स्वरूप और पर स्वरूप का ज्ञान लाभ करो, तो भगवान का सर्वोत्तम तत्व धीरे धीरे समझ में आएगा। इसके द्वारा धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे चलकर पराभक्ति लाभ कर सकता है, धीरे धीरे आगे चलकर, यह इतना इजी नहीं है, धीरे धीरे आगे चलकर हो जाएगा, फिर भी ऑल्टरनेटिव रास्ता है। विजित ऋषि को वायु वीरदंत मुनस्तुर जय यंतुमति लोलोम पायोखित व्यसन सतामृत समय गुरुश्चरण बनय वाज संत कृत कर्ण धरा जलधौ। मन को काबू में लाना संभव है, जितना प्रयास कर उल्टा हो जाएगा, गुरु की बात जरूरी है। तो ये जो चार श्रेणी का व्याख्या किया है भगवान, पहला है भगवत स्वरूप में मन स्थिर करके स्मरण करते करते अवस्थितों के निरुपाधिक प्रेम लाभ का उपाय वर्णन किया, वह स्वाभाविक अनुराग का बातें हैं, स्वाभाविक अनुराग अथवा राग मार्ग का। दूसरा बात बताई है अगर संभव नहीं उपदेश, इसमें जो लोग स्वाभाविक अनुराग पथे चित्त निविष्ट रखित चित्त को निविष्ट रखने में समर्थ नहीं है स्वाभाविक रूप से, इसका लिए विधि मार्ग का अवलंबन अभ्यास जो का बताया अवलंबन करा श्रेय। तीसरा बताया कि ये वैध ये जो जो लोग वैध प्रणाली के अभ्यास जो के असमर्थ है, ये भगवत कर्म पर हो जाओ। आ भगवत कर्म पर होने से क्रमशः अभ्यास जो के द्वारा सिद्धि क्रमे चित्त भगवान चित्त धीरे धीरे आगे चल के भगवान का चरण में मन को लगा पाओगे, स्थिर हो जाएगा।
इसमें ऐसा मापी कर्म कर्मी जो समर्थ असमर्थ है उसका लिए सर्व कर्म फल परित्याग पूर्वक वैदिक वैदिक सर्व कर्म फल परित्याग पूर्वक वैदिक कर्माचरण ये करने के लिए भगवान बताए अग्निहोत्र आदि। और ये कर्म आचरण करने का साथ साथ धीरे धीरे बहुत समय लगेगा लेकिन करते करते चले ये कर्म आचरण के द्वारा धीरे धीरे क्रमशः अपना स्वरूप स्वस्वरूप और परस्वरूप का ज्ञान उदित होगा। भगवत का भगवान का बारे में चिंता और आगे चलकर स्वस्वरूप परस्वरूप उदित हो पराभक्ति लाभ का क्रमिक इसको ग्रेजुअल पंथा बताए भक्तिमय ठाकुर इसको बताएंगे आगे चलकर। तो अभी विश्वनाथ ठाकुर ये तो बलदेव विद्याभूषण का व्याख्या का मर्म है। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने भी ऐसा ही यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो मद योग आश्रित हमारा योग आश्रय करके तहा करके आश्रय करके मुझमें सर्व कर्मो समर्पणम सर्व कर्म हमको दे दो। इस बारे में पहले छह अध्याय में कथित हो सर्व कर्म फल त्याग करो यही तो बताया था ना। पहले जो सठक है पहले छ ये तो दूसरा सठक चल रहा है। पहले छह अध्याय में प्रथम छह अध्याय में विश्वनाथ चतुर्थी कह रहे हैं कथित हो सर्व कर्म फल त्याग का बारे में बताया था। यह का इसका अर्थ है पहला जो छह अध्याय में भगवान में अर्पित तो निष्काम कर्म योगी मुख्य प्राप्ति का उपाय बताया गया और द्वितीय छह अध्याय दूसरा जो अभी जो चल रहा है दूसरा जो सठक है अतः छह दूसरा जो छह अध्याय इसमें भक्ति योग का भक्ति योगी भगवत प्राप्ति उपाय ऐसे वर्णन किया गया। इसी भक्ति योग जो है द्विविध प्रकार का दो किस्म का है। एक भगवत निष्ठ अंतकरण का व्यापार भगवत निष्ठ अंतकरण की विषय है और वही अंतकरण का विषय है दोनों। इसका अंदर में फिर से ये प्रथम पहला जो है अर्थात भगवान निष्ठ अंतकरण का जो विषय है ये भी तीन किस्म का पार्ट है। एक एक स्मरणात्मक जो प्रह्लाद स्मरण जो बताया था ना एक एक किस्म का हमने बताया था श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत व्यास की कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे तदंग्री भजने लक्ष्य पृथुपूजने अक्रूरस्तु अभिवंदने कपिपतिर दास्य अथो सख्य अर्जुनो सर्वात् सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरेशा परम। तो प्रह्लाद स्मरण भक्ति का जादन की तो विश्वनाथ चतुर्देव कहते हैं कि ये भगवान निष्ठो अंतकरण को जो विषय है ये भी तीन किस्म का एक स्मरणात्मक है एक मननात्मक स्मरण के बाद मनन होता है एवं अखंड अर्थात निरंतर स्मरणे असमर्थो दादे अनुरागी गणे त्वार अभ्यास रूपी ये तीन दूसरे के लिए ये असंभव है। अखंड अर्थात निरंतर एक है स्मरणात्मक एक है मननात्मक इसके बाद अखंड श्रुति निरंतर स्मरण ये जो विषय है जो लोग है ना जिसको जिन लोगों के लिए समर्थ नहीं है इसके लिए ये तीन ची दुर्गम पथ है साधारण व्यक्ति के लिए किंतु निरपराध सुबुद्धि बनो सुबुद्धि वाले के लिए ये सुगम पथ है ये रास्ता अच्छा है। लेकिन दूसरा रास्ता जो है एक तो एक बताया भक्ति योग जो बताया था भगवान निष्ठ अंतकरण व्यवहार
और बहिर अंतकरण का विषय जो है प्रैक्टिस है। द्वितीय जो है श्रवण श्रवण कीर्तनात्मक हो सके, ये सबके के लिए संभव हो सकता है। श्रवण कीर्तन हो रहा है, किसी का मन लगता है, किसी का मन कम लगता है, लेकिन अभ्यास करते चल श्रवण कीर्तनात्मक ये जो है विश्वनाथ को बताया, ये सबके लिए सुगम है, सबके लिए अच्छा है। उभय प्रकार उपाय के द्वारा अधिकारीगण जे सकल अपेक्षा उत्कृष्ट, उभय प्रकार उपायवान अधिकारीगणों में जे सकल अपेक्षा उत्कृष्ट, ये द्वितीय छह अध्याय भक्ति योग के बारे में बताया। ये कर्ण में जो असमर्थ है और इंद्रियोगन को भक्तिनिष्ठ करने में अश्रद्धालु है, पहला छह अध्याय के उक्त अधिकारी भगवद अर्पितो भगवद अर्पितो निष्काम कर्मकारीगण, ये लोगों के जो अधिकार है इससे निकृष्ट है। बारह नंबर श्लोक में भगवान फिर से बताए कि श्रेयो ही ज्ञानाभ्यासाज ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फलत त्यागा छांति निरंतर। श्रेयो ही ज्ञानाभ्यासाज ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागा छंति निरंतर। क्या बताए, श्रेयो ही ज्ञानाभ्यासाज ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागा छंति निरंतरम। अर्थात अभ्यास योग की अपेक्षा मुझमें बुद्धि निवेश करके निवेश रूप जो ज्ञान श्रेष्ठ है स्वाभाविक है, अभ्यास योग की अपेक्षा मेरे में जो बुद्धि निवेश करने में जो समर्थ है ये ज्ञाननिष्ठ ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान की अपेक्षा मेरा स्मरण और शरण जो ध्यान है वो और आगे है श्रेष्ठ है। अभ्यास योग के अपेक्षा है जो मुझमें बुद्धि निवेश रूप जो ज्ञाननिष्ठ ज्ञान ज्ञानी हो गया ज्ञान इनो बुद्धि निवेश रूप जो ज्ञान है ये श्रेष्ठ है, और ज्ञान की अपेक्षा मेरा स्मरण रूप जो ध्यान है ये श्रेष्ठ है। क्योंकि ध्यान होने से क्या होता है, ध्यान से कर्मफल त्याग ध्यान से कर्मफल त्याग, और ये कर्मफल त्याग के बाद परम शांति को प्राप्त करेगा। जो असमर्थवान है असमर्थ पक्षे भक्तिमती ठाकुर जी ने बताए, असमर्थ पर के जिसका स्वाभाविक रूप में हृदय भगवान का और खिंचावट नहीं है जिसका, ये असमर्थ के लिए राग भक्ति अपेक्षा विधि भक्ति अभ्यास करना ये अच्छा है भगवान बताए, भक्तिमती ठाकुर का ये कहना है। और विधि भक्ति में जो असमर्थ है ये क्या करें, अपना इतना रूल्स रेगुलेशन कर नहीं पाए, विधा भक्ति में असमर्थ होने के कारण इसको आत्मो यथात्मो रूप ज्ञान चेष्टा श्रेय। और ऐसा ईदृश्य ज्ञान चेष्टा में असमर्थ होने से तत्साधन भूतो स्वात्मचिंतन तत्व वाक्यगत ध्यान करो, तादृश ध्यान करने में असमर्थ पुरुषगणों के पक्ष में कर्मयोगी श्रेय है। काम कर्मादि पक्षे सर्वकर्म फल त्याग के द्वारा शांति लाभ होता है। तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है, यह शुद्ध भक्ति मिलने का दो मार्ग है, एक है साक्षात मार्ग। कहने का मतलब ये तात्पर्य ये है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का दो मार्ग है, एक मार्ग है साक्षात मार्ग
और दूसरा मार्ग है क्रमपंथा जो है, जैसे मुक्ति का बारे में बताया था, एक साक्षात मुक्ति है शब्द मुक्ति और एक क्रम मुक्ति बताया था, क्रम मुक्ति काशी मरणात मुक्ति। इसका मतलब ये है काशी मरने से मुक्ति जरूर हो, लेकिन काशी मरणात मुक्ति का कारण माने ये है एक क्रम मुक्ति है। जीव गोस्वामी पाद जी ने बताए हैं काशी मरणात मुक्ति हो ठीक है, लेकिन क्रम मुक्ति का रास्ते में जाएगा, शब्द मुक्ति नहीं है। शब्द मुक्ति मतलब शरीर छूटने का साथ साथ जो एकदम सीधा भगवान की कृपा के द्वारा गोलोक धाम में आप वैकुंठ जगत में जाए, और कर्म मुक्ति के द्वारा धीरे कर्म मुक्ति के द्वारा धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर ऊपर लोग में जाए, जैसे ऐसा अंदर में कर्म मुक्ति है करते रहे ब्रह्मलोक तक चलेगा। तो तात्पर्य ये है शुद्ध भक्ति मिलने का दो मार्ग बताया, एक साक्षात मार्ग और एक क्रम मार्ग है। अगर लोभ है अंदर में, लोभ है खिंचावट पैदा हो, लोभ श्रद्धा साधु संग होता है श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के साक्षात मार्ग बताया गया, इसमें योग्यता विशेष कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शरणागति और गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा श्रवण कीर्तन आदि करते चलो, और इसके द्वारा धीरे धीरे आगे चल के हो जाएगा। शुद्ध भक्ति पाइबा का जो साक्षात मार्ग है और एक कर्म मार्ग, लोभ और श्रद्धोदितो साधु संघ के द्वारा श्रवण कीर्तनी कीर्तन आदि साधनी साक्षात मार्ग, और दूसरा मार्ग है ये समर्थ नहीं है, सब धीरे धीरे करते चले क्या करे बेचारा, पहले काम कर्म त्याग करे, काम कर्म जो है ये त्याग करे कम से कम। दूसरा स्टेज है कर्मयोग आश्रय करे, भगवान का रिलेटेड करे, करके कर्मयोग सब भगवान में कर्मार्पण करे। दूसरा है अष्टांग योग ध्यान। चौथा है इसमें आत्मज्ञान प्राप्ति करने का, आत्म यथार्थ ज्ञान प्राप्ति करने का व्यवस्था जो है धीरे धीरे करे। और पंचम के द्वारा जो परमात्मा यथात्म ज्ञान, परमात्मा का आर्य ज्ञान जनित हो, साधन भक्ति रूप जो क्रम मार्ग है ये साधारण, ये स्वाभाविक जो साधारण कर्म मार्ग है ये प्रोसीड्योर है साधारण कर्म मार्ग, ग्रेजुअली क्लेशाग्नि शुभधा मोक्षोलोकताकृत है विशेषात्मा शांदा न शांदानंदो विशेषात्मा, ये जो बताया था रूप गोस्वामी पाद जी, क्लेशाग्नि शुभधा मोक्षोलोकताकृत संदानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चौसा। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बताए तदंतर कथित तो जो स्मरण मनन अभ्यास योग्य यथापूर्वक जे पूर्व क्रमे श्रेष्ठ क्या है ये अस्पष्ट करके बताया गया, श्रेय अभ्यासात अतः अभ्यास इति ज्ञान है मुझ में बुद्धि को निवेश कराओ, निवेश कराओ, ये मुझ में मनन करो श्रेय श्रेष्ठ। अभ्यास धीरे धीरे होते होते है, अभ्यास होते होते आयासे चेष्टा करके धीरे धीरे ध्यान होते रहेगा, किंतु मनन होने से ध्यान स्वाभाविक हो जाएगा, यही विशेष है, इसीलिए श्रेष्ठ बताया। श्रेयो ही ज्ञानाभ्यासाच ज्ञानाध्यानम विशेषते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागा क्षति निरंतर, इसलिए
ग्रेजुअल प्रोसीज्योर बताया ऐसे। और ज्ञानाध्यानम विशिष्ट श्रेष्ठ हो, यही अर्थ बताया। किस लिए? इसका उत्तर दे ध्यानात्, क्योंकि ध्यान से कर्मफल त्याग, अर्थात कर्मफल स्वर्ग आदि सुख समय जो निष्काम कर्मफल का जो मुख्य त्याग, इसके लिए कोई इच्छा नहीं है। तस्प्रिया रहित तो ही वे स्वतः प्राप्ति थे या तार उपेक्षा, अर्थात ये उपेक्षा करना, इसमें कोई कर्मफल का लिए कोई आशा वशा नहीं रखना, धीरे धीरे। किंतु निश्चल ध्यान जो है, जो निरंतर ध्यान निरवच्छिन्न, निरवच्छिन्न ध्यान का पूर्व में अजात रुचि भक्तगणों के लिए मुख्य तक इच्छा जर स्वाभाविक रूप हो जाता है, स्वाभाविक रूप में इसका अंदर में कोई इच्छा नहीं रहता। किंतु निश्चल जो निश्चल ध्यानमान जो है मोक्षों की उपेक्षा करता है, तो इसलिए बताया कि मोक्ष लघुताकृत, जिसलिए बताया क्लेशाग्नि भक्ति के द्वारा क्या क्या होता है। पहले तो ये जितना सारे क्लेश है और मर मिट जाता है, क्लेशाग्नि शुभोदा मतलब ये शुभोदान करने वाली है। क्लेशाग्नि जितना सारे काय क्लेश है, मानसिक शारीरिक आदि भौतिक आदि, जब क्लेश समाप्त हो जाए क्लेशाग्नि, उसके बाद शुभोदा, शुभोदा मैंने मंगल करता है, शुभोदा शुभोदान करता है। शुभो तो भक्ति है, शुभो और कुछ नहीं है, जितना सारे कुछ करने जाओ भक्ति छोड़कर कोई शुभो है ही नहीं। तो इसलिए क्लेशाग्नि शुभोदा, उसके बाद मुख्य लघुताकृत, ये अभी हमें साबित करके दिखा विश्वनाथ चतुर्थी बाद। और चंद्रानंद विशेषता एक वन काइंड ऑफ एकदम निरवच्छिन्न एक आनंद अंदर में पैदा होता है। जैसे कुछ दिन पहले चर्चा हुआ था ना, एक साथ भोजन करने से एक ही साथ खुद तुष्टि पुष्टि अनुघासम जो होता है ना, ये स्वाभाविक रूप से हो जाता है, स्वाभाविक रूप से ये संपूर्ण हो जाता है। इसके लिए अलग से प्रयास करने का दरकार नहीं। क्लेशाग्नि शुभोदा मुख्य लघुताकृत चंद्रानंद विशेष में एक अंदर में एक डेंस घनीभूत आनंद पैदा होता है। क्लेशाग्नि शुभोदा मुख्य लघुताकृत चंद्रानंदो विशेष आत्मा, आत्मा का एक विशेष है भक्ति, ये जो है निरवच्छिन्न एक आनंद पैदा होता है। और क्लेशाग्नि शुभोदा मुख्य लघुताकृत चंद्रानंद विशेष आत्मा और श्री कृष्णाकर्षणी चौसा, श्री कृष्ण इसका इतना ताकत है, श्री कृष्ण को खींच के लाता है, इसका अंदर में ऐसा ताकत है जे भगवान को खींच के लाता है भक्ति। तो ये एकमात्र भक्ति का अंदर में इसका बारे में ही बताया विश्वनाथ चतुर्थी बाद। इस रूप गोस्वामी पाद का जो रसामृत का जो श्लोक है ये एक साथ बताए। इसलिए क्लेशाग्नि शुभोदा मुख्य लघुताकृत संदानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चौसा। ऐसा करके तेरह नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताए अर्जुन को, अद्देष्टा सर्वभूतानां मैत्रेयो करुण एवच निर्ममो निरहंकारः समो दुख सुखम खमी संतुष्ट सततम योगी जतात्मा दृढ़ निश्चयः मर्यार्पित मनोबुद्धिर् जो मद्भक्तो स्वामी प्रिय। अभी भगवान कह रहे हैं कौन मेरा प्रिय है ये बता दें, ये बताने के लिए कह रहे हैं कि अदृष्टा, जिसका किसी का ऊपर विद्वेष नहीं है, अदृष्टा जिसका किसी का ऊपर कोई विद्वेष नहीं है। विद्वेष नहीं है मतलब मेरे को विद्वेष करता नहीं तो मैं भी विद्वेष नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं। मेरे को विद्वेष कर रहा है
फिर भी विद्वेष नहीं हो रहा है, ये माने है। अध्येष्टा सर्वभूतानाम, सर्वभूत के लिए अध्येष्टा है, किसी के लिए विद्वेष नहीं करते। मित्र हैं, देशून्य मित्र भाव संपन्न है, मैत्री है। और करुण है, कृपालु, पुत्र कलत्रादि ममता सुन्नो, करुणामय तो बताई है। निर्ममो ये शब्दों के द्वारा मेरा भक्त कैसा होता है, हमारा भक्त जो सर्वभूत के लिए देश सुन्न है, मित्र भावापन्न है, कृपालु है, और निर्ममो के द्वारा, निर्ममो इस शब्दों के द्वारा पुत्र कलत्रादिते ममता सुन्नो, पुत्र कलत्रादि से ममता सुन्नो, जैसे वसुदेव जी एक एक लड़का को लेकर कंस मर रहा है, एक एक लड़का को लेकर मर रहा है, फिर भी स्थिर है वसुदेव जी, भी स्थिर है, बड़ा सुंदर। दुष्ट व्यक्ति के लिए क्या संभव है, दुष्ट व्यक्ति के लिए सब संभव है, और साधु के लिए सब सहन का अंदर है, ये सहन का बाहर नहीं हो सकता साधु के लिए, इतना धैर्य है। इसलिए बताए देखो, जो हमारा भक्त जो है सर्वभूत का ऊपर विद्वेष शून्य है, देश शून्य है, मैत्री भावापन्न है, कृपालु है, और निर्ममो मतलब पुत्र कलत्र आदि में ममता शून्य है, और अपना शरीर जो है जड़ीय शरीर, पंचभौतिक जो शरीर है, इसमें कोई बिल्कुल भी अहंकार नहीं रखने वाले, बिल्कुल कोई अहंकार का कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं। पुत्र कलत्र आदि इसका ऊपर तो ममता शून्य है, इसलिए निर्ममो निरहंकार मतलब ये जड़ शरीर जो है पांच भौतिक और इसका साथ जो रिलेटेड जो वस्तु है, इसमें कोई अहंकार नहीं है, मैं मेरा भाव बिल्कुल नहीं है। और समो सुख दुख खमी, जो अहंकार रहित है, इसलिए अहंकार अगर नहीं है तो मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं कौन समझेगा। अगर सम अवस्था है सुख दुख में, तो सुख दुख जो है मान अपमान है, शीतुष्णो सुख दुखेशु तथा मान अपमानयु, ये जो है सब में समदृष्टि वाले अहंकार रहित होने के कारण वो सुख दुख में भी समदृष्टि भाव संपन्न हो जाएगा, स्वाभाविक है, जो भी मिलता है ठाकुर जी का इच्छा। क्षमाशील है किंग दुस्सहमनु साधु नाम है किमापेक्षा विदुषाम किमापेक्षितम, ये जो है विचार बताया वसुदेव जी महाराज। जो दुखे समभावपन्नो क्षमाशील, सुख दुखों में समभाव, सुख और दुख में ये समभाव है, बैलेंस इक्विपोइस्ड, सुख और दुख में इक्विपोइस्ड है, बैलेंस है इसका, समबुद्धि समभाव संबंध। भगवान ने पहले भी बताया ये मान अपमान सुख दुख ये सब सहन करो, क्योंकि ये आने जाने वाला है। तांग तितिक्ष भारत, ये तो आने जाने वाला जो है ये सब चीज जो है तात्कालिक है, ये सहन करो जरूरी है। खमासिल है स्वाभाविक है साधु, खमासिल है सर्वदा प्रसन्न चित्त, खमासिल होने से ही प्रसन्न चित्त कौन होता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, अशांत होने से ही प्रशांत भाव आएगा, पहले शांत होगा उसके बाद प्रशांति भाव आएगा भक्ति आने के बाद। सर्वदा प्रसन्न चित्त और संतुष्ट सततम जोगी, जोगी मतलब भक्ति जोगी, यहां जो लक्षण, यहां जो सारे लक्षण बताए
संतुष्टः सततम योगी, ये मतलब जितना सारे लक्षण देता है ये भक्ति योगी का ही है। इसलिए संतुष्टः सततम योगी मतलब भक्ति योग युक्तो, और भक्ति योग हारे का होने का कारण भक्ति योगी जतात्मा मतलब संजितेंद्रिय, जिसका भक्ति है वो अस्वाभाविक रूपे संजितेंद्रिय होगा। एक का साथ दूसरे का है, एक का एक एक साथ जुड़ा हुआ है, एक साथ जुड़ा हुआ है ना, एक है तो दूसरा होगा। भागवत में श्लोक है, चर्चा करेंगे काल, एक ही साथ जुड़ा हुआ है, एक होने से दूसरा आएगा। भक्ति परेशानी भाव विरक्तिर अन्यत्र चैष ती को एक कालहा प्रपद मानस्य, ये जो श्लोक बताया था काल चर्चा होगा। तो खमासिल होने से तो होगा ही, सुख दुख में समदुखी क्षम भाव रखने वाले खमासिल वाले खमासिल हो जाएगा वो, आ सर्वदा प्रसन्न चित्त हो जाता है। ये सब जो लक्षण बताए ये भक्ति योग का लक्षण है, भक्ति योग युक्त हो। आ भक्ति योग युक्त होने से स्वाभाविक रूप से इंद्रियो बस में आ जाएगा, स्वाभाविक है। भक्ति योग युक्त हो संजितेंद्रियो, और संजितेंद्रिय होने से ही दृढ़ संकल्प हुआ। भक्ति में ठाकुर जी ने बताया ना, सरलता दृढ़ता और निरपेक्षता, भक्ति में ठाकुर जी ने बताया सरलता, सरलता मतलब सिंप्लिसिटी, ये अगर सोचो तो जरा असल भूल हो जाए। सिंप्लिसिटी तो है ही है, क्योंकि जगदानंद पंडित जी ने बताया सरल होइले गोरार सिक्का बुझियल हो, भाई यहाँ कोई विशेष माने हैं। भक्ति में ठाकुर कुछ एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहे, सरलतामान मतलब है अंतरे बाहिरे सम व्यवहार अमानी मानो दब, ये है। तो भक्ति में ठाकुर जी ने बताए हैं बहुत बार, एक एक हरि कथा में और अपना आर्टिकल में लिखा है, हरि कथा में आर्टिकल में लिखा है, ये एक भक्तों का विशेष लक्षण है। बाद में तो पता चलेगा, लेकिन पहले जो लक्षण दिखाई पड़े ये क्या है, ये सरलता है, इसका अंदर में सरलता है। सरलता मतलब अंतर भाई जैसा व्यवहार, कोई कपट भाव नहीं। सरलता अमानी मानत, कोई सम्मान अगर नहीं चाहिए तो मासूम बच्चा का माँ भी जिएगा। एक साधु भक्ति प्रमोदपुरी के श्री महाराज जी को गुरु जी को देखा है, ये बच्चा जैसा, कोई सम्मान करे ना करे क्या करे उसको ही मतलब नहीं, बच्चा जैसा, एक मासूम बच्चा, इससे भी बढ़कर इसका साथ तुलना करे तो अपराध हो सकता, क्योंकि वैष्णव का अंदर में जो अपराकित गुणावली है, प्राकृत बच्चा का अंदर भी ये नहीं हो सकता, ये तुलना करना उचित नहीं है। ये प्राकृत अप्राकृत ये दोनों भाग विभेद है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया सरलता दृढ़ता और निरपेक्ष। सरलता मतलब अंतर बाहर समवार अमानी मानो, तो दृढ़ता मतलब डिटर्मिनेशन, परिस्थिति बदल गया तो हलचल मच गया, कुछ उल्टा हिलने लगे, ये होगा नहीं। तमाम दुनिया मेरा खिलाफ लड़ाई कर रहा है, इसलिए मैं सिद्धांत को बदल दूं, ये भक्त तो नहीं बनेगा कभी। जो सरलता है पहले बताया भक्तिमठ ठाकुर जी ने बताया सरलता दृढ़ता, दृढ़ता मतलब एकदम सॉलिड फाउंडेशन, किसी भी हालत से अपना सिद्धांत विचार भक्ति का जो सब विषय है ये बदलने वाला नहीं है। पैसा दिया तो बदल दिया, ऐसा नहीं। तो सरलता दृढ़ता और निरपेक्षता का मतलब है, ये सबसे बड़ा परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज ने ये सब व्याख्या किया। निरपेक्ष होना कोई सब मामूली बात नहीं है, निरपेक्ष होना कोई मामूली बात नहीं है। निरपेक्ष नहीं ले चैतन्य चैतन्य, इसलिए इस बात को बड़ा ऊंचा विचार दिखाया। काल इस विषय में और चर्चा हो पाएगा। सरलता दृढ़ता निरपेक्षता चैतन्य चैतन्य में बताया गया, चैतन्य चैतन्य लिखा है
चैतन्य चरित्र में तो बताया गया है ये सब इस विषय में, जे निरपेक्ष नाहीले धर्मो ना जाए रक्षणी। इस विषय में केशव गोस्वामी ने बड़ा भारी सुंदर व्याख्या किया। जब तक निरपेक्ष ना हो, ये विचार विचार है, इसके लिए मेरा लड़का है, मेरा दोस्त है, मेरा बीवी है, मेरा चिन्ह, मेरा विचार बदल जाएगा, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये भक्त नहीं बनेगा कभी। जब जड़ जगत में, जड़ जगत में भी ऐसा राजा रानी ऐसा मिलता है, मिलती है, जिसमें समान विचार करता है प्रजा का साथ अपना लड़का, जैसे रानी विक्टोरिया अपना लड़का को भी साथ पनिशमेंट दिया। आजकल के जमाने में तो ऐसा भी मिलना मुश्किल है, जब भी ये मेटेरियल है, भक्ति के साथ कोई तालुकात है ही नहीं, फिर भी ऐसा दिखाओ एक कोई है तो ये असंभव है। इसलिए सरलता, दृढ़ता और निरपेक्षता, जब तक निरपेक्ष ना हो, एक भगवत भक्तो जो है सबसे बड़ा निरपेक्ष होता है। बाहरी दृष्टि में कोई एक्स वाई मिशन निरपेक्ष भाव को दिखाने जाए, लेकिन इसका पीछे एक रहस्य है। वो निरपेक्ष दिखाने जाए, हम निरपेक्ष सेवा उतर रहा है, लेकिन इसका पीछे और ज्यादा लाभ प्रजा प्रतिष्ठा मिलाने का एक एडवर्टाइजमेंट है। इस बारे में बड़ा भारी चर्चा हो सकता, जो भी है काल हो पाएगा। तो निरपेक्षो नाहीले धर्मो, निरपेक्षो नाहीले धर्मो ना जाए रक्षणे, ये विचार बनाए रखना चाहिए। इस विषय में कल चर्चा हो पाएगा। तो इसलिए निर्वन्या नितरम भूमन असतेन्द्रिय दर्शनात् जेनो सम्यास्व मानेन प्रपन्य अंध्यम तमः प्रभु वांछा कल्पतरु सिके पासिंद पतितानं पावन भविष्य नमो नमः।